नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कटप्रोटेक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक फ्री में पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्री में पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है स्टेप बाई स्टेप। तो दोस्तों, आप एक या गूगल या मोजिला जो भी आपके पीसी में है उसे सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैंने google.com सर्च कर लिया है। इस सर्च बॉक्स में आप यहाँ पे अपना इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन कर लेना है। यहाँ पे incometax.gov.in इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, ये आपके सामने एक नया पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आप स्टैंड ई पेन इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे वर्किंग हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आपका ई पेन फैसिलिटी इज फॉर अलाटमेंट ऑफ स्टैंड पेन। ये आपको विथिन 10 मिनट में आपको एक पेन नंबर जनरेट होकर आपका मिल जाएगा। इसमें आप पेन कार्ड की कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गेट ए न्यू ई पेन यहाँ पे दिया हुआ है। ई पेन ए डिजिटल सिग्नेचर पेन कार्ड इशू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बेस EKYC डाटा ऑफ आधार। ये आधार कार्ड के माध्यम से दोस्तों बनता है। गेट ए न्यू ई पेन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर फॉर पेन अलाटमेंट। जब आप नया पेन कार्ड अलाटमेंट करते हैं दोस्तों, ये आधार के माध्यम से, तो यहाँ पे आधार नंबर आप डाल देना है आपको। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आई कन्फर्म दैट आप उसको यूज करने के लिए ये पूछ रहा, आई नेवर बीन अलॉटमेंट अ परमानेंट अकाउंट नंबर पूछ रहा है। क्या आपने पहले इससे पेन कार्ड नंबर जनरेट नहीं किया है, तो इस पर यस कर देना। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, 4 ऑप्शन है, चारों आपको कंपलसरी है। माय एक्टिव मोबाइल नंबर इज लिंकेड इन बीन विथ आधार। दोस्तों, यहाँ पे आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और माय कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड में फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों, आई एम नॉट माइनर, ये जो पेन कार्ड बनता है जो 18 साल से कम उम्र वाले को पेन कार्ड ये नहीं जनरेट होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन पूछा गया है। दोस्तों, अगर ये आप ये चारों आपके आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा आपका पेन कार्ड नहीं बन पाएगा। तो अगर आप 18+ हैं तो यहाँ पे टिक पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ये पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट आधार OTP, एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे। दोस्तों, यहाँ पे OTP डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, अगर इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का लिंक नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे यस का सिंबल हो जाएगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। डाटा लोड हो रहा है, देखिए बफर स्ट्रीम हो रहा है। दोस्तों, टेक्निकल साइट का प्रॉब्लम चल रहा है, रिक्वेस्टेड नॉट कंप्लीट ड्यू टू टेक्निकल इशू। दोस्तों, इस समय टेक्निकल इशू चल रहा है, वो आधार इसकी वेबसाइट का ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप रिसेंट OTP मंगा सकते हैं, एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं। वापस से OTP यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं। दोस्तों, देखते हैं, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देखो, OTP वैलिडेशन हो चुका है। योर पर्सनल डाटा बेस और आधार EKYC, यहाँ पे आपका पर्सनल नाम सब दिया हुआ है। दोस्तों, अपना चेक कर लेना है। दोस्तों, इसी तरीके से आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी एक डाल देना है। एक OTP जाएगा वेरीफाई करने के लिए आपका OTP, आपके जीमेल अकाउंट पे एक OTP जाएगा। OTP आ गया है, यहाँ पे OTP डाल दिया। देखिए दोस्तों, अगर आपका OTP नहीं आता तो यहाँ पे रिसेंड OTP करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं।
हमारा ओटीपी आ गया था तो हमने यहाँ पे पिकअप कर दिया। अब सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आधार का जो एड्रेस रहेगा वो आपका एड्रेस भी आ जाएगा, यहाँ पे सबमिट कर देना है। देखिए हमारा पैन कार्ड ईमेल आईडी सही हो गया था, देखिए एकदम वैलिडेटेड हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट दैट पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे अपना नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब चीज़ डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मैच कर लेना है बराबर, क्योंकि आपका आधार से ही डाटा कैप्चर हो जाता है टोटल। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बटन कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। देखिए जो पैन कार्ड होता है चार स्टेप में बनता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुका है, योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। दोस्तों हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये, जो पैन कार्ड अभी हमारा सबमिट हो गया है ऑनलाइन, अभी ये 10-5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। ये चार स्टेप होता है, फर्स्ट इंटर आधार, OTP वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन आधार डिटेल जो आपका आधार से कैप्चर होता है दोस्तों उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे, ये फाइनल आपका हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।